हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने लेवल में इसमें सबसे बेहतरीन MIUI रोम कैसे डाल सकते हैं। इस रोम का सबसे बड़ा फीचर है जो इसमें फिंगरप्रिंट वर्क करता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको टर्न ऑन किया। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्वाइप कर दिया, अभी ये खुल ले रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट को टैप करूँगा तो ये देख सकते हैं अभी ये खुल जाएगा। बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है ये। अभी इस रॉम में जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगी वो फिंगरप्रिंट वर्किंग लगी। दूसरी जो बेहतरीन चीज़ है इसमें, इसकी बैटरी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बहुत ही बैटरी देर तक चलती है। और जो सारे फीचर हमें जो MIUI में मिलते हैं वो सभी फीचर हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको थीम्स भी मिलते हैं, थीम्स का ऑप्शन भी मिलता है, ये देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको सेटिंग्स में जाके इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं दिखाता हूँ। अबाउट फोन में ये देखिए MIUI वर्जन 8.6.10.18 बीटा है, वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन मार्शमेलो है इसका, दे सकते हैं आप। अभी सेटिंग्स में हमें बहुत सारे एडिशनल सेटिंग्स मिलती हैं, एक दे सकते हैं आप। जो सारे फीचर्स हमें MIUI में मिलते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं, सिक्योरिटी अब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। उसके बाद सब वर्किंग है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे गैप्स के बारे में आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गैप्स आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करने पड़ेंगे, यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट नहीं है गैप्स का। तो दोस्तों इस रोम का जो मेन फीचर है वो है फिंगरप्रिंट वर्किंग। अगर आपने बहुत सारी MIUI रोम देखे होंगे तो उसमें आपको फिंगरप्रिंट वर्किंग नहीं मिलता और जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इसमें बहुत ही बड़े बैटरी बैकअप हमको मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए, इसके हमने बहुत सारे फीचर्स देख लिए हैं, तो अभी मैं इसके थोड़े से ऐप आपको खोल के दिखाता हूँ। देख सकते फ़ोन ऐप का इंटरफेस, मैसेजिंग ऐप का इंटरफेस, ये देख सकते म्यूज़िक, ये बहुत ही, यहाँ पे आपको कौन सा भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इस फर्स्ट बूट पे कोई भी ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता। अगर मैं आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ड्यूअल एप्स का सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल सेटिंग्स में हमको जो MIUI 8.7 में बहुत सारी कुछ चीज़ें हमको दी गई हैं। दोस्तों अभी हमने इसके फीचर्स के बारे में देख लिया है, अभी हमको देखना है कि ये रोम में कौन से बग्स हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा भी बग्स हमको दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, लेकिन जो एक बग है मेरे सामने जो आया वो है, हमको जो रेंज का आइकॉन है वो दो सिम होने के बावजूद हमको एक ही आइकॉन दिखाई देता है। ये बहुत ही एक बग है जिसका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है हमको। सिम ब्लॉक तो होता नहीं इससे, लेकिन जो है रेंज का जो सिंबल है वो हमें दो सिम के बजाय एक ही दिखता है। कैमरा इसका बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं इसमें कैमरे में, ये देखिए
सब कुछ सही है। यूआई से थोड़ा सा बेहतर कैमरा हमें मिल जाता है। कैमरा मोड्स में हमको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन दो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हमको सीपीयू जेड में इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे ये देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमको इंफ्रारेड सेंसर का वर्किंग ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये देखिए रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाता है यहाँ पे। इस तरह में ऐसा कोई बग नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम इसके लिए हमको 8.2 अपडेट आता था MIUI 8 का, जिसमें एक बग था जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर नहीं पाते थे। दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके बताने वाला हूँ, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए क्लीन मास्टर, ये देख सकते हैं मैंने इसको, मुझे डाउनलोड करना है इसको, दे सकते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी उसके बाद दोस्तों अगर आप जो आपका जो प्ले स्टोर का टेंशन था वो निकल गया है, अब इसमें कोई भी और बग नहीं है। दूसरा अगर हम बग देखें तो बग की बात करें तो इसमें हम जहाँ में अगर थोड़े से मामूली से बग हम मुझे दिखाए हैं, अगर हम क्विक बॉल पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्विक बॉल है स्टॉप, ये ऐसा दिखाई, ये थोड़ा सा बग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये सेकंड पेज यहाँ पे अवेलेबल है जो कि चलता है। यहाँ पे हमको डिस्प्ले में जो रीडिंग मोड है वो मिलती नहीं है, जिससे हम अपना स्क्रीन का लुमेंस जो है वो कम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फीचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले अब आपको पासवर्ड के बारे में बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा जो आप कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने आपको दिखा दिया है कि इस रूम के फीचर्स कैसे हैं और बग्स क्या क्या हैं। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बढ़िया है MIUI में, और ये EOS से बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे रॉम्स हैं जो बहुत सारे खाते हैं, जियो 4G यहाँ पे वर्किंग है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हमको आती नहीं है। इंटरफेस फास्ट है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी दोस्तों हम इसके इस रॉम के फ्लैश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है रिकवरी में, जिसके लिए आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट कीजिए और उसके बाद हमको ये बंद होने का वाइब्रेशन मिलेगा। तो बंद हो गए, अभी आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन आपको दबा के रखना है, जिससे कि आपका रिकवरी खुलेगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये रोम में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जो बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-12 सेकंड ज़्यादा लगते हैं इसके लिए। अभी खुल गया, देख सकते हैं आप, रिकवरी में मैं इंटर कर चुका हूँ। अभी जो फिलहाल मेरी रिकवरी जो है, अब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। इसको फ्लैश कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वाइप पे क्लिक करना है,
लेकिन उसके पहले आपको बैकअप लेना है। तो बैकअप पे आप देख सकते हैं, देखिए इतने सारे हैं, इतने सारे को आपको कैचे न्यूरॉन को बैकअप करना है, सबको सिलेक्ट करके आपको बैकअप लेना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने बैकअप ले रखा है इसलिए मैं बैकअप करूँगा नहीं। अभी आपको वाइप पे क्लिक करना है, उसके बाद एडवांस वाइप पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सारे सिलेक्ट करने हैं सिर्फ इंटरनल स्टोरेज के सिवा। तो इसके लिए अभी आपको वाइप करना है, तो ये वाइप कर देगा। अभी दोस्तों आपको माउंट में आपको क्या करना है, सिस्टम को अनटिक करना है और अभी आपको इंस्टॉल कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी रॉम्स है, तो ये देखिए MIUI 8 विथ FP वर्किंग जीप, इसे मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये 5 मिनट तक टाइम लेगा, तब तक मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता है। दोस्तों ये फ्लैश करते समय आपकी बैटरी जो है वो 60-70% चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारा फ़ोन कभी कभी स्टक हो जाता है, तो इसलिए कभी ड्रेन हो गई तो बीच में हमारा फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है, ब्रिक होने का धोखा बढ़ सकता है, इसलिए हमें हमारी बैटरी फुल चार्ज या फिर 50 से ज़्यादा चार्ज रखनी चाहिए। तब ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं, फिर मिलेंगे जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। दोस्तों अभी 3 मिनट हो चुके हैं और अभी ये इंस्टॉल ही हो रहा है। अभी तक इसको बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा जो रॉम जो फ्लैश हो चुका है, अभी आपको यहाँ पे ये TWRP में जो है वो लॉक हो जाती है, तो इसको आपको स्वाइप करना है जिससे अनलॉक हो जाए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं रिबूट सिस्टम दो सक्सेसफुल दिखा रहा है। अभी वाइप कैचेस के आपको क्लिक करना है, वाइप करने कैचेस डेलविक भी। अभी आपको ये जो सक्सेसफुल हो रहा है, इसके बाद आपको जो अपना सिस्टम जो है रिबूट करना है। दोस्तों अभी इस रॉम में गैप फ्लैश करने की गलती कभी ना करें, जिससे स्टक हो जाता है और कभी भी खुलता नहीं, और इसके लिए आपको फिर से दोबारा फ्लैश करना पड़ेगा रॉम को। तो इसके लिए आपको कभी भी इस रॉम को में गैप्स फ्लैश करने की गलती ना करें। उसके बाद रिबूट करना है आपको, सिंपली वेट करना है। ये देख सकते हैं आ गया अपना MI का लोगो, लेकिन ये पहली बार कभी भी चालू नहीं होता। इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद आपको पावर बटन को 9 सेकंड तक होल्ड करना होगा, 9 या 10 सेकंड तक होल्ड करना होगा, जिससे कि हमारा फ़ोन जो सिस्टम को रिस्टार्ट कर देगा फिर से, इसे फोर्स रिस्टार्ट कह सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी तक मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, 2 मिनट हो गए हैं, तो भी मैं पावर बटन को होल्ड करूँगा 9 सेकंड तक। जिससे कि हमारा फ़ोन जो है फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये रिस्टार्ट हो चुका है, अभी आप पावर बटन को छोड़ सकते हैं। अभी शायद से ये ऑप्टिमाइजिंग स्टार्ट कर दे। ये देख सकते हैं दोस्तों ऑप्टिमाइजिंग स्टार्ट हो गया। जब तक ऑप्टिमाइजिंग पूरा हो जाता है तब तक हम मैं इसके
फीचर्स के बारे में बात करना चाहते हो फिर से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एपी वर्किंग मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एमआईयू में अभी तक एपी वर्किंग का ऑप्शन हमें नहीं दिया गया था। तो दूसरी बात है, यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है इसका। आपको दे एक से डेढ़ दिन आराम से बैटरी आपकी चल सकती है। अगर फ़ोन आपका ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करते तो। यहाँ पे तीसरी चीज़ जो है, कैमरा बहुत ही बेहतरीन है इस रोम का। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, प्ले स्टोर के डाउनलोड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ है, इसके जो म्यूज़िक का लाउड वॉल्यूम जो है वो बहुत ही लाउड है, जिससे कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग आराम से सुन सकते हैं। नहीं तो कोई कोई रॉम्स में आपको बहुत ही वॉल्यूम लो मिलता है। एम आई में जो प्रॉब्लम है, एक बग है। इसके बाद सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं एमआईयू में। अभी जब तक ये ऑप्टिमाइजिंग होती है, तब तक मैं आपको इसे फास्ट जब तक ये ऑप्टिमाइजिंग होती है तब तक इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग कंप्लीट हो रहा है। अभी ये कंप्लीट हो चुका है, इसे 4 से 5 मिनट लग सकते हैं आपके फ़ोन में, ये देख सकते हैं। अभी हमारा जो सेटअप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों इसमें गैप्स फ्लैश किए तो ये बार बार इसी प्रोसेस पे अड़का रहेगा, तो इसके लिए आपको फिर से रोम फ्लैश करनी पड़ेगी सब वाइप करके। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी थोड़ी देर में हमारा जो ये सेटअप है वो चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैं आ गया है, मैंने क्लिक कर दिया। आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर दीजिए। यस, नेटवर्क स्किप, अपना सिम डिटेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। वॉइस को हम रख देते हैं, भी देख सकते हैं। ऐड योर फिंगर, यहाँ भी आपको मैं पैटर्न रख लेता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा पैटर्न। उसके बाद एक कंफर्म पे आपको क्लिक करना है, अभी जो अपना फिंगरप्रिंट आ जाएगा। ये मुझे थोड़ा ले से चूरा है और फिंगरप्रिंट का कॉपी लग रहा है। या इस रूम में आपको बहुत सारी चीज़ें जो लेवन एस की मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्शमेल आपको मिल रहा है, जो लेवन एस के पास था। फिंगरप्रिंट जो बिल्कुल उसी की तरह है, रिमोट उसी की तरह है। और जो लॉक स्क्रीन का जो रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है, लोकेशन में बंद कर देते हैं, कुछ काम के नहीं होते। देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, अभी जो देख सकते हैं इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी सेटअप कंप्लीट, अभी हो जाएगा हमारा। देखिए रोम जो हो गई हमारी फ्लैश, अभी सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिवेटेड है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आ गए हमारे रॉम, ये थोड़ा सा चाइनीज़ में होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, में यहाँ में कोई भी ब्लोट वगैरह अवेलेबल नहीं है, जिससे ये रॉम बहुत ही स्मूथ चलती है। एक देख सकते हैं कैमरा, एक देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। अभी ये देखिए म्यूज़िक, म्यूज़िक का वॉल्यूम का जो लाउड है, लाउडनेस है वो बहुत ही बढ़िया है, जिससे अगर वॉल्यूम कम नहीं होता। रिमोट कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी, लेकिन मैंने सेंटर पे सबको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं
अभी दोस्तों बारी है प्ले स्टोर वर्किंग की, तो ये देख सकते हैं यहाँ से अपना प्ले स्टोर जो है से इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं एपीके में जाइए, मैंने जो लिंक दी उससे हम एपीके डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों पहली बार इंस्टॉलेशन में बहुत सारा टाइम लेता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा होता है। पहली चार्जिंग में भी वो बहुत टाइम लेता है, 3 घंटे से ज़्यादा थोड़ा टाइम लेता है। दूसरे अगर आप दोबारा चार्जिंग करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दोस्तों आपका ये फेल हो रहा है तो आपको इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, जब मैंने पहली बार इस रोम को फ्लैश किया था तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार कुछ मुझे गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल हो चुका है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं चिकनी में, ये देखिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अपना। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिससे आप टाइप नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे आपको जाना है। ये देखिए आपको ईएन पे क्लिक करना है। तो अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नंबर और फिर आप उसे, तो ये देखिए मैं डाल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने पासवर्ड को डाल लिया, अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा चालू हो जाएगा फ़ोन। ये देखिए आराम से चालू हो जाए, फास्ट है बहुत, कुछ टेंशन नहीं होता इस रोम में। तो इसे मैं अन टिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे हम जो चाहे आप हम डाल सकते हैं। अभी आपका अभी जियो 4G वॉइस इसमें वर्क करता है, सभी चीज़ें यहाँ पर वर्क करते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको जो मन चाहिए TWRP है वो विदाउट विदाउट रॉम फ्लैश, और जो हम TWRP में कैसे बदल सकते हैं, हमारी जो TWRP है वो TWRP में कैसे बदल सकते हैं, इस पे वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो जिन लोगों के लिए ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ वेट कीजिए थोड़ा सा, तो मैं थोड़े दिन में डाल दूँगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते मैं इस रोम का फिंगरप्रिंट वर्किंग जो दिखाना चाहता हूँ तो देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई अगेन आ गया। ये जो है मेरा पहला 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 लॉक है, इसलिए पहली बार होएगा नहीं, ये देख सकते हैं अभी शायद हो जाएगा, देखिए हो गया, ये देखिए हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ। अगर आपको TWRP में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, और ये इस सभी फाइल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए, तो इसका ज़रूर डाउनलोड करिए।